एवरीवन। सो बीटीएससी एग्जाम रिलेटेड एक एक छोटा छोटा नोटिफिकेशन हम इसी चैनल पे आप लोगों को बीच देते रहेंगे। हालांकि गाइस एक स्वास्थ्य विभाग में वैकेंसी आई थी, इन्हें रद्द कर दिया गया। मेरे ख्याल से ये समझ में नहीं आता है कि दिमाग है, अक्ल उकल है कि नहीं, सिर्फ कुर्सी पे बैठ जाता है, फिर जो मन में आता है वही करता है, पहले फॉर्म भरवाता है, फिर पैसा को रिटर्न करवाता है, एग्जाम कैंसिल करवाता है। आप बोलोगे सर ये कैंसिल होने का कैसा रीजन है, सेटिंग गेटिंग। तो मेरे ख्याल से ऐसा सिस्टम में हम डिजाइन क्यों करें जिसमें सेटिंग गेटिंग हो यहाँ पे। तो आप ये चीज़ को, मतलब जो भी एक अधिकारी है जो ये चीज़ डिसीजन लेते हैं कि हम, पहले बच्चा तो परेशान होता है भाई फॉर्म फिल करना है, पहले तो थिंकिंग करता है यार इसमें होगा तो निकाल ही लेंगे, कई तरीके की भावनाएं आता है यहाँ पे कि है कि नहीं। एक तो काफी समय के बाद ये वैकेंसी आती है और फिर मालूम चलता है कि इन्हें भर के रद्द कर दिया जाता है, पैसा रिटर्न कर दिया जाता है यहाँ पे। तो मेरे कहने से जो पेपर लीक हो या किसी प्रकार के आप जो भी कारण से आप सोचे होंगे कैंसिल किए होंगे, तो ऐसा दिन क्यों लगे, पहले ही आप क्यों नहीं सोचते हैं। अब मान लीजिए कोई वैकेंसी हमें निकालना है, तो निकालने से पहले हमें सोचना होगा, क्योंकि आपके पास इतना अनुभव तो जरूर होना चाहिए ना कि क्या क्या दिख सकता है वैकेंसी आने के बाद, हमें आगे कौन कौन सी घटनाएं दिख सकता है, उस चीज को पहले ही हमें क्या करना है, सिक्योर करके फिर वैकेंसी निकालना होगा। आप निकाल लेते हैं, पैसा भी ले लेते हैं, फिर पैसा रिटर्न कर देते हैं, फिर बच्चे का दिल तो टूट जाता है भाई। अकल है या कुछ है कि समझ में नहीं आता, ये पहली बार नहीं, बीटीएससी में ये पुराना आदत है। आप देखोगे बीटीएससी के बहुत सारे एग्जाम पेपर लीक हो जाता है, सेटिंग गेटिंग बहुत सारे, ये धांधली इसमें बहुत सतर्क है बीटीएससी में खास करके। हम अभी देखिए ना, रिसेंटली एक इंजीनियर की वैकेंसी कोर्ट में है पेंडिंग पड़ा हुआ, बताइए। मेरे ख्याल से मतलब कि ऐसा हम क्यों गलती करें जो हमें कोर्ट में जाना पड़े यहाँ पे। तो ये सब चीज़ पहले ही सोच लेना चाहिए, सोचता उसका है नहीं, अकल उकल है कि नहीं, बैठे रहता है भाई पैसा तो आता ही है सैलरी, अब बात करोगे तो ऐसे लगेगा कि कितना बड़का हीरो है, नवाब है, उस अकॉर्डिंग यहाँ पे बात करेगा, है ना, और फिर वैकेंसी निकाल देगा यहाँ पे। तो अक्ल उकल है कि नहीं, जो मन में आता है सो करता रहता है, ये बीटीएससी की पहली बार नहीं है कैसे यहाँ पे। अभी देखोगे काफी सारा और भी वैकेंसी है, अब होगा क्या, दो तीन तरीका कुछ होगा। अब होगा कि जैसे ये वैकेंसी है ना, अब किसी कंपनी हाथ से सेल कर दिया जाएगा कि हाँ भाई हमें इतना बच्चा चाहिए, इस डिपार्टमेंट में चाहिए। अब वो क्या करेगा, आदमी चाहिए, आप वो कंपनी नियुक्त करेगा, कंपनी नियुक्त करेगा तो कुछ पैसा मांगेगा, सीधा पैसा मांगेगा। आप बोलोगे कि हाँ मेरे मैरिट बेस पे हो गया, इंटरव्यू दे दिया हो गया, कभी पॉसिबल ही नहीं मुझे लगता है। आज तरीके से पहले भी कितना शिक्षा विभाग में आया था, मैं खुद बताता हूँ, मेरे एक मित्र है, सब ऊपर से नीचे सब तो ऐसे ही है गैस, क्या आप बोलोगे यहाँ पे, है ना। तो खैर कोई बात नहीं गैस, दुख की तो बात है कि एग्जाम रद्द कर दिया गया है ना, कैंसिल जो भी पैसा है उन्हें रिटर्न कर दिया गया। आगे देखते हैं, कुछ ऐसा और भी नोटिफिकेशन आएगा बीटीएससी की ओर से तो हम जरूर आप लोगों के साथ अपडेट करने की कोशिश करेंगे। हालांकि हम एक ही निवेदन करेंगे बीटीएससी वाले की ओर से कि आप ऐसा मत करिए जिससे काफ़ी सारे बच्चे को नुकसान पहुंचे। हालांकि मुझे मालूम है कि आपको तकलीफ होता है, होगा कि नहीं होता, मुझे नहीं लगता कि बच्चा के कोई तकलीफ से बीटीएससी वाले कोई फर्क पड़ता होगा, फिर भी ऐसा मत करिए। समझ लीजिए आप लोग का भी बच्चा है यहाँ पे, और जब भी आप कोई चीज़ निकालिए तो पहले सोच समझ के निकालिए कि आगे कौन कौन सी घटनाएं दिख सकता है, क्योंकि आज से नहीं है ये सब चीज़, काफ़ी समय से चलता रहा था। आप लोग पास अनुभव होगा कि कहाँ से पेपर लीक हो सकता है, कहाँ से सेटिंग हो सकता है, कहाँ से क्या हो सकता है, तो ये सब चीज़ अनुभव होना चाहिए, है ना। जब हम कोई काम करते हैं, स्टेप उठाते हैं, तो हमें मालूम है कि आगे क्या क्या हो सकती है। तो कुछ ये था गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद, हैव अ नाइस डे। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, आप अपडेट दे देंगे।